cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. और नाश्ता भी आइंदा तैयार हो चुका है। स्वीट में दो ब्रेड खाऊंगा और मैं इसके साथ दो ब्रेड खाऊंगी और अभी नमाज भी पड़ेगा साथ में। और इसके साथ में इसकी बहन ने ब्रेड दी थी, हम लोग वही खा रहे क्योंकि रोटी बनी हुई तो है ही नहीं अभी। और फिर अनाप बना रही थी, मेरे लगे नहीं बेटा इतना कष्ट मत कर रोटी बनाने का, है ना यार, हम लोग यही रोटी खा लेंगे, है ना, लोग ये रोटी खा रहे ब्रेड। और ब्रेड इतना अच्छा रहता है ना दमन का, वही ब्रेड खा रहे। तो ये देखा हमारा ब्रेड को मस्त। अस्सलाम वालेकुम। तो मरियम की ज़िंदगी में सबका बहुत बहुत स्वागत और प्यारी प्यार। उम्मीद करती रहेंगी आप लोग अच्छे अच्छे नहीं बहुत अच्छे हो, मैं भी अच्छी नहीं बहुत अच्छी हूँ। बज रहा है 5:30, ओके। तो आइए आप लोग नाश्ता करने के लिए। तो अभी हमारा आयान का पूरा नाम पहले हो गया है, सब तैयारी वैयारी हो चुकी है। तैयारी में ब्रेड की बटर लगा रही हूँ और नाश्ता भी आयन का तैयार हो चुका है। स्वीट में दो ब्रेड खाऊंगा और मैं भी इसके साथ दो ब्रेड खाऊंगी और अभी आयन नमाज भी पड़ेगा साथ में। और इसके साथ में इसकी बहन ने ब्रेड दी थी, हम लोग वही खा रहे क्योंकि रोटी बनी हुई तो है ही नहीं अभी। और फिर अनाप बना रही थी, मेरे लगे नहीं बेटा इतना कष्ट मत कर रोटी बनाने का, है ना यार, हम लोग यही रोटी खा लेंगे, है ना, हम लोग यही रोटी खा रहे ब्रेड। और ब्रेड इतना अच्छा रहता है ना दमन का, वही ब्रेड खा रहे। तो ये देखा हमारा ब्रेड को मस्त। अभी हम लोग माँ बेटे दोनों मछली खाएंगे और मैं इसके साथ नाश्ता इसलिए करती हूँ, बच्चे से भी नाश्ता हो जाता है ना, अकेला बच्चा नाश्ता नहीं कर पाता। कल मेरे ये कप सब चेंज हो गए, अभी बहुत दिन हो गया मैं चाय पी ली इसमें और कप में मुझे थोड़ा लालपना दिख रहा है। इतना टाइम तक मैं कप में चाय नहीं पी सकती हूँ, कुछ अलग कप होएंगे अभी। और अभी मैं क्या बोलूँ तुम्हारे को, तो फिर मिलती हूँ सुबह बजे में उठूँगी या तो अयान जाएगा, अभी मिलते थोड़े टाइम से अयान नाश्ता करने के बाद। ओके चलो दुआ की धड़का से बाबा बास्केट में डाल के लेके जाओगी, कसम से सच्ची मैं बास्केट में डाल के लेके जाऊंगी, गलती हो जाती है अभी से। तो बास्केट लाई दरगाह पे से उसकी बास्केट हरी वाली ना, अस्सलामुअलैकुम। अभी देखो 4 दिन के बाद ये घर फ्लैट खुला है, अब इसकी सफाई चालू है। अभी क्लीनिंग होने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगी। ये बंद होने के बाद इसमें इतनी धूल हो गई है भाई। Oh, 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 oh
छह महीना और स्कूल का मेरा बच्चा टाई वाई शर्ट बांध के मत आया कर। दीदी वाले क्या तो आप लोग देख सकते हैं, अभी घर में साफ सफाई चालू है, थोड़ा अंदर की डस्टी निकाले है, तो देखो कितनी बोतल तेल की बोतल क्या 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 है, पूरा पसा निकाले हैं साफ करने के लिए। तो अक्सर की बोतल भी पड़ी है अंदर, तभी के अंदर आपको मालूम तो आओ खाने के लिए। खाना तो आधा खलास हो गया फोन पे बात करते करते। तो आज खाने में लेमन राइस, भिंडी की भाजी, क्योंकि मेरी फेवरेट है भिंडी की भाजी, और ये छड़ी दाल बोले तो मसूर की दाल, और ये ककड़ी मेरा फेवरेट, और एप्पल। तो अभी मैं खा रही हूँ खाना, और खाना तो मैं थोड़ा खा चुकी हूँ क्योंकि मैं फ़ोन पे बात कर रही थी। और ये तो कहे मोहरम के ग्रीन कपड़े निकल चुके हैं क्योंकि अभी अजमेर जाने का है, तो मोहरम में मैं ग्रीन ही कपड़े ज़्यादा पहनती हूँ। तो ये 5 फ्रॉक कमीज अंदर से निकले हैं अगले साल के, तो देखती है अभी क्या है क्या नहीं है, नहीं तो फिर न्यू सिलाना पड़ेगा या अगली बार के। एक एक बारी, एक साल में एक ही बारी पीनी हूँ, ऐसी रखे हुए, तो देखते अभी है ना, फिर मिलते। तो अभी बालों में आयनिंग अनाप कर रही है मेरे, अभी नहाई थी, इतने को बाल कैसे हो गए, तो ज़रा बाल की केयर करना चाहिए ना। तो रात को आते ही मैंने पहले तो तेल डाली थी, क्योंकि 3-4 दिन तेल नहीं डालेंगे तो मुझे बहुत अनेजी होता है, तो मैंने रात को ऑयल डाला था सर में। अभी वो लगा के मैं अनाप करने वाली आयनिंग, मैंने बोली जल्दी कर, मेरे को बाहर जाना है, और आज से मेरा जिम भी चालू हो जाएगा। चलो अभी आना, फटाफट आ जाओ, ब्लॉक व्लॉक अभी थोड़ा कम खेलो, ब्लॉक 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 ब्लॉक, और आओ मोगो मोगो पीने के लिए। तो आओ नाश्ता करने, तो हम लोग कर रहे हैं नाश्ता, और ये है दमन का बन, और उसके अंदर लगाए हमने मस्का, और देखो ना मेरे मस्का का ये टूट गया, मगर मैं फेंक ही नहीं, क्योंकि मैंने नया लाई ना उसी भी टूटा, और समीर के हाथ से टूटा, समीर ने कब से मुझे बोल रही है मरियम फेंको फेंको फेंको, मगर मेरा दिल नहीं, और इतना अच्छा है तो कैसा क्या फेंकू, उसका ढक्कन वक्कन देखो ना, तो मैं उसको था ना। मैंने आज सुबह मस्त ब्रेड बटर भी खाया था, ब्रेड बटर क्या मस्का भूख लगता है, मस्का घी असली माल बहुत ज़्यादा लगता है, जब जैसे मस्ती सी स्किन है, मस्का घी खा करके तुम्हारे लिए ना स्किन हमेशा चमकती रहती, मेरे लिए हमेशा चमकती, मेरे बेटे की भी चमकती है, अनाप ने खाती ना, अनाप की नहीं चमकती स्किन, अनाप ने खाती मस्का, बस कर आपको मस्ती बहुत चढ़ेगी घर पर, है दीदी जैसी सो। अभी जा रही थी मैं जिम, मगर मामला ये हो गया कि अब मैं जब जिम जाऊँगी मुझे कपड़े नए चाहिए, कपड़े नए चाहिए, जा रही मैं जॉकी में कपड़े लेने के लिए, उसके बाद में मैंने राशन की दुकान में होगी, थोड़ा राशन लेने का है, तो मैं सोचती कल से जिम जा, पैर में भी बहुत दर्द है, जब तक जिम का दिख रहा है घुटना ही पकड़ लिया, हाँ इतना खींच रहा ऐसा लगता है बारिश में भीगती आई मैं, तो मैं कपड़े खरीद के लाती हूँ, कल से इंशाल्लाह जरूर जाऊँगी, जब जिम जाती हूँ नए कपड़े लगते, बेचारा आदमी ने अभी जॉकी से दिलाया था पूरे लेके जाके, वो कपड़े कहाँ डाले क्या मालूम, अरे कब से नूरी और ये तो ढूंढ रहे,
मेरे को जरा आतंक लेना पड़ेगा कि बारी बारी ना वो थी 1200 की किट लाई थी मैंने, 3 लेके आई थी। उसका भी नाश्ते का टाइम हो गया, डोसा खाएगा बोलता। डोसा अम्मा, डोसा बोला अम्मा डोसा। वो आया को निश्चय गया, आया तो बहुत फटी का है, आया तो बहुत फटी पड़ी है क्योंकि मैं जिम जारी करके बहुत परेशान है। 4 बजे जैसे बाप को फोन कर रहा, डैडी मैं जा रहा जिम, बोले अम्मी की बहुत टाइम कर रही है यार ना, क्या बोला तुमको? बोले तुम कहाँ हो, जल्दी आओ मेरे को जिम जाना है। आज उसको बहुत जल्दी जिम जाने का है क्योंकि मैं जा रही हूँ ना, उसका वर्कआउट एकदम मस्त है और उसके लिए खास करके मुझे जाना पड़ रहा है, समझे क्या? क्योंकि वो वर्कआउट बराबर करता नहीं। उसको तो बोलते ना इसका फैट तो पिघालना पिघालना है, मेरा भी जबरदस्ती वाला पिघालना है, क्या कर सकते, क्या कर रहा है मगर? देखो 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 आया, अब जा रही हूँ मैं बाहर, बताई थी ना आप लोगों को जॉब की उधर जा रही हूँ, तो अब जाकर कुछ लेती हूँ वहाँ से राशन दुकान जाती हूँ और थोड़ा राशन लाती हूँ, राशन खलास हो गया है। और राशन मैंने कब लाई थी आप लोगों को पता है? मैं एक हर मंथ में नहीं लाती हूँ, रमज़ान में लाए थे ना अपना राशन, तो रमज़ान में लाए थे, अभी जा रही हूँ। छोड़ के आया नहीं तू? नहीं नहीं इधर आ जा तू वापस फ्लैट पे। थोड़ा गला मटर वाला है, नूरी लॉन्ड्री के कपड़े बोलने इस्तरी मार के लेके आएंगे। अब वो समीर का लाए जो दिन लॉन्ड्री का जाके इस्तरी करके लेके आ गए थे, जिसका वही पैकिंग करके लेके आना बराबर बोला। तो मैं जा रही थी जाती हूँ बाबा, आया को जिम में छोड़ के उधर ही वेटिंग कर रहे, और मैं जा रही हूँ देने का था वो मोरनी वाले को, ये बिच्छू हाँ तो ना मैं उठा के रख, कल डेयरी जाएगी तो देने का इसको, उठा के रख ना, पैसा भी मैं दूंगी कल तुम्हारे को। चलो फिर अभी हम लोग निकल ही गए, मेरी चप्पल का झाड़ू मारना रह गया। हाँ और कैसे हो? अस्सलाम। यहाँ से अभी अगली बार मुझे दिए थे ट्रैक वैसा आया है जी। साइज क्या था? एल एक्सेल था, एल था? नहीं डबल एक्सेल। डबल एक्सेल इसमें कैसे दिए थे देखो, मेरा जो वैसे कलर का था सुनी दिख रहा नहीं, डबल एक्सेल जो भी चाहिए सामान पूरा लेडीज का वो साइड पूरा जेंट्स का बहुत अच्छा अच्छा सामान टी शर्ट टी शर्ट सा ये सब पूरा जेंट्स लोग का है, ट्रैक टी शर्ट पूरा क्या मुझे देना है निकाल गए और भी अभी वक्त चल रही है। तो ये देखो मैंने ये एक ट्रैक लिया और एक ये पिंक कलर का और एक ये टी शर्ट ली, जैसे बड़े बड़े टी शर्ट बहुत पसंद है, उन्होंने ऐसा शॉर्ट दिखाया, मुझे शॉर्ट टी शर्ट नहीं अच्छे लगते, ढीले ढीले टी शर्ट अच्छे लगते। और एक ट्रैक कौन सा गया, ये ब्लू एक लिया ना, ये एक ब्लू लिया, ये तीन लिया अभी क्योंकि तीन ऑलरेडी घर पे है,
अभी वो पहले मैं ढूंढ लूँ, सेम ऐसे ही थे। और टी शर्ट का कलर कौन सा ली, ब्लू और वाइट, वाइट ब्लैक, ब्लैक और रेड, और रेड। एक मेरे को ब्लू चाहिए था मगर ब्लू नहीं मिल रहा मुझे, जो मुझे ब्लू चाहिए वो ब्लू नहीं। येलो, येलो, येलो है। ये मैम देखो इधर खड़े, ये बहुत डाइट करते हैं, फॉलो करते हैं हम डाइट में। ले लो येलो, बिना फॉलो बिना खाए। येलो एक ऐसा था, एक दूसरा येलो आता, दोनों येलो दिखाओ। येलो बहुत पसंद है कलर, रेड कलर भी बहुत ज़्यादा पसंद है और ब्लैक तो सब कोई पसंद है। और देखो समीर इधर खड़े हैं, तुम नहीं ले रहे कुछ? नहीं। क्यों ऐसा? अरे को लाइटर तुम्हारा दिख रहा है पॉकेट में से। ये कलर आता है? नहीं नहीं, ये तो ये रेड तो नहीं। अच्छा ये खोलो आप। तो हम लोग केक सैंड रोज में आए, बहुत काफ़ी टाइम के बाद आए ले, नहीं तो पहले हम लोग इधर रोज़ शाम में आते थे। अब ये डिलक्स बेकरी हो गई तो हम लोग ज़्यादा करके वहाँ ही जाते हैं। इधर का डोनट बहुत फेमस है, पवई में भी थे तो यहाँ से डोनट लेके जाते थे। और इधर ऐसी एक से एक चीज़ मिलती है, और केक तो आपको कौन सा भी चाहिए वो एनी टाइम मिलेगा, ऑर्डर देने की ज़रूरत भी नहीं है। और इधर चिकन सैंडविच, क्रंची, सब एक से खाने के लिए है। जो हमारे बाजू में लक्की के ऊपर वाले रोड के ऊपर ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। और एक से एक इधर केक टोस्ट, नान कटाई देख सकते आप लोग। और माशाल्लाह बहुत पुरानी बेकरी है ये, ऐसा नहीं कि नई है। हम लोग पहले बहुत आते थे इधर, मतलब अभी थोड़ा आलस कम चढ़ता है तो गाड़ी में से डीलक्स है वहाँ से ले लेते हैं। तो ये देख सकते हैं आप लोग, से चूड़े काम करता है, और ये सब शक्कर वाली थाली, मावा केक, डोनेट जगह बना हुआ। अभी मुझे एकदम डोनेट चाहिए था भाई ने बोले 5 मिनट रुको अभी बना के देंगे गरम गरम डोनेट। गरम गरम डोनेट बना के दीजिए, अंदर अंदर ही पूरा इनका पाव और सब बनता है, सामने केक वेक सब, कप केक देखो, ब्राउनी, सैंडविच बोले तो सब है, एक नंबर। चिकन में आइटम सब है, समोसा, नाश्ता करेंगे कप केक, ओ कप वाला करे थे नाश्ता। बाजू में तंदूर है लक्की का, बाजू में तंदूरी भी बाजू में ही है, तभी लक्की यशवी तनवी उधर एक लक्की रोड पे, तो लक्की वाले का यशवी भी बाजू में है, तनवी तो लक्की रोड पे। इधर बहुत अच्छे अच्छे सब शॉप वॉप सब कुछ है, इसलिए अजान भी होगी। चलो मिलती आप लोग अजान होगी। तो ये देखो समीर का हो रहा है तेल मालिश, है ना, क्योंकि समीर का भी रोज़ तेल डालने का है। समीर के बाल में से टकला बाल जा रहे ना समीर थोड़े, और तो ऑयल डेली डालने के, समीर कितने टाइम से ऑयल डालना बंद कर दिए, समीर के बाल बहुत जा रहे, तो मैंने बोली कभी कभी तेल डाला करेंगे, तो कल भी डाले थे हमने दमन से आके, आज भी डाल रहे, तो समीर की रोज तेल तेल मसाज होगी, है ना, हाइट मसाज एकदम मस्त, और ज़्यादा जोर की नहीं होगी क्योंकि बाल टूटे हुए, सब नॉर्मल नॉर्मल मसाज। और देखो समीर हेयर में मैं तेल ऑयल डाल दूँ करके, और ये तेल बहुत अच्छा है, मैं तो दूसरा आधावासी आदिवासी है, मैं तो पहले ये डाली थी, मैंने थोड़ा आदिवासी के लिए डाली थी, लंबे वीडियो पर डाली थी, है ना। तो अभी समीर के समीर तेल ला रही हूँ, तो समीर के बाद भी देखो लंबे तो नहीं करने का है, अपने को उतना नहीं करना है, क्या के बाद लंबे के अच्छे लगते हैं, शॉर्ट भी अच्छे लगते हैं, क्या इतना ना बाल समीर को पहले बहुत माशाल्लाह इतने घने बाल थे, लोग नज़र लगा देते हैं, और अभी क्या समझ में लापरवाही करते, ये शैम्पू वो शैम्पू दस शैम्पू डालते रहते, मेरे बिना बोले क्या क्या जा रहे अभी बाल, टॉयलेट
उसके बाद ये लगी है खुले में तुम्हारी सर में ऑयल ना यही डालना चाहिए। तुम्हारा थोड़ा बीच में से लगी हुई है बीज लगाना पड़ेगा तो हमने उठे जमने वाला नहीं है ना बीज वाला काम है ना सभी लगाएंगे भी नहीं बाबा हाँ ऐसा हल्दी से अभी आजकल देख रहे हैं और देख रहे ना लोग थाईलैंड के स्विट्जरलैंड जा रहे इधर से बीज लगा रहे क्या बोल रहे हो जाके तुम्हारे मेरा फिर कितनी नंगी नंगी और गंदी गंदी बातें करती है। अब ये जगाना चाह रहे तो क्या बता रहे थे कुछ एयरपोर्ट के ऊपर के फॉर्चुनर इधर चलती है फॉर्चुनर उधर चलती है बाहर एयरपोर्टों पे देखो फॉर्चुनर जो तुम्हारे पास इनोवा थी ना वो बम्बई में ना उसमें चलती थी कॉल सेंटर की ओला में टूरिस्ट की वो इंडिया में चल रही हमारी तो फिर भी इतनी अच्छी गाड़ी है बाहर तो देखो मर्सिडीज आप दुबई जाओ मर्सिडीज ये क्या बोलते हैं BMW ये सब तो नॉर्मल गाड़ी है टूरिस्ट भी चलती है समझे क्या वो तो हमको ही पता है ऐसा नहीं कि नहीं पता है बाहर कंट्री में यही चलती मगर तुम्हारी तो इंडिया के अंदर ही टूरिस्ट में चल रही थी गाड़ी वो इनोवा जो टूरिस्ट में चलती ना वो गाड़ी लेके घूम रहे थे अभी तो अल्लाह ने ऐसा कर दिया कि वो ओला की गाड़ी वो बेजान लेके जा रहा वही चला रहे उसमें घूम रहे उसमें आ रहे जा रहे और बेचारी वो बच्ची को फंसा है बेटे की गर्लफ्रेंड बोल के उससे भी गाड़ी ले ली है तो एक ही जगह निशाना रखना दूसरी जगह पहुंचाना मत तो फिर मेरे निशाने चालू होंगे ना तो बहुत डेंजर चालू हो जाएगी वो मालूम ना टिकटॉक वाला दौर लेके आ जाऊंगी जो नाम से फेमस की थी याद है ना गली गली चौबारा गली गली चौबारा सुती नहीं है जो गिल्ली हो जाती है तो फिर वो भूलने नहीं लगाना मैं तो कितनी जबान की गंदी और नंगी मालूम है ना इसलिए मेरे आदमी नहीं लगता तो जहाँ निशान है ना वहीं लगाना चारों तरफ निशाने करके बातें नहीं करना कहाँ चलती है वो देख लेना और इनोवा किधर चलती है वो ओके चलो फिर मिलती हूँ आपको बाद में।